एनी एक्टर आई थिंक एक कंफर्ट लेवल जो होता है एक्टर के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड वी कैन ओवरकम एनीथिंग, एनी बाढ़, एनी हरिकेन, एनी टोर्नेडो, इफ योर डायरेक्टर इज अंडरस्टैंडिंग एंड गिव्स यू दैट कंफर्ट एंड वार्मथ. आई एम श्योर यू एग्री विद मी. कश्मीर इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेसेस टू शूट, जिसने कश्मीर में शूट कर लिया उसने गंगा नहा ली. सर, हाय, आई एम हगा फ्रॉम बुकमाई शो. वी आर हमारे सामने ही हम जब शूट कर रहे थे पहलगाम में, तो मैं सुबह सुबह उठा, मैंने फोन लगाया, मैंने कहा मैं आप लोगों से मिलने आता हूँ. मैं उनके सेट पे गया, दो तीन घंटे में बैठा, कहने लगा आप क्या कर रहे हैं. मैंने कहा जी मैं इंस्पायर हो गया हूँ. और मैं जब बहुत इंस्पायर हो गया उनकी फिल्म के साथ, तब मैंने कहा आपकी फिल्म आपको मुबारक है, आपका इंस्पिरेशन तो मैंने ले लिया है, अब आप चाहे कहीं भी हम तो जाके हिट बनेंगे. तो इस तरह की कहानी. I'm sorry, I mean, sorry. What can I say? I know, sir, you're from the advertising world, so that kind of an answer was kind of expected. a question to both of y'all. You look amazing, and I'm sure everybody out here agrees Thank with you. Me. So, about the things that we keep hearing about this amazing Jodi, how true are those rumors? Which Come rumors? On, they look great on screen. Those are not rumors. You know what I mean, yeah, right? Yeah, they are. Thank you. Now, we've been tired. Audience bhi thak gaye, bore ho gaye, hum log bhi ho gaye. We want to know the किसी भी क्रिएटिविटी की जो सबसे खूबसूरत मंजिल हो सकती है वो ये हो सकती है जब क्रिएटर और उसके साथ जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में इश्क हो जाए. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप नहीं चाहेंगी कि आप लिखते लिखते अपनी जर्नलिज्म के साथ आपको इश्क हो जाए? तो मेरे ख्याल से बहुत आपसे कि ये फिल्म सनम से पहले बन चुकी थी और ये बाद में रिलीज हो रही है सनम से पहले, इसकी कुछ खास वजह? क्योंकि हम लोग पार्ट वन पार्ट टू के बाद रिलीज करते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी वजह नहीं. इट वाज इन हाउस डीसी, देयर इज टॉस्ड अ पॉइंट सनम रे. नहीं, ऐसा नहीं था. ऐसा था, हमारा एक सेक्शन था बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमें सिर्फ बर्फ में शूट करना था, और फिल्म शूट करते करते हमने खत्म किया तो तब तक मई और जून आ चुका था, और उसके बाद देन आई हैड टू गो बैक इन दिसंबर जनवरी, और वो भी हमें पक्का पता नहीं था कैसे जाएंगे क्या करेंगे बिकॉज देयर वाज अ प्रॉब्लम. और हमारी फिल्म में VFX काफी, आपने देखा होगा लेक और ये और दुनिया भर की चीजें, तो वी वर लिटिल अनसर्टेन अबाउट कि क्या होगा, एंड आई थिंक दैट्स व्हेन द कंपनी मस्ट हैव डिसाइडेड दैट दे शुड रिलीज अ फिल्म व्हिच वाज आल्सो रेडी. तो एंड आल्सो आई गॉट वेरी बिजी विद माय अनदर फिल्म व्हिच रिलीज लास्ट वीक. मेरा सवाल फिल्म के दौरान असली चीज जो मैटर करती है कि आपने जो सोचा था, विजुलाइज किया था जिस कैरेक्टर को, वो कैसा पर्दे पे निकल के आया है. बाकी तो सब बातें, ये था नहीं था, ऐसा थोड़ी है कि घर में दो भाई रहते हैं और उन दोनों में बहुत राम लक्ष्मण जैसा प्यार होगा तभी वो घर में खुशी होगी. तो अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज व्हाट इज ट्रांसलेटेड ऑन स्क्रीन. व्हेन यू विल सी दिस फिल्म यू विल रियलाइज इट. मैं इसलिए आज ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग देखें और तब उनको समझ में आएगा कि हाउ सिंसियरली बोथ ऑफ देम, नॉट बोथ ऑफ देम, देयर अदर एक्टर्स रिश्ता भट्ट, गुलशन देवैया, दे आर ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड फादर, देयर लॉट्स ऑफ एक्टर्स इन दिस फिल्म. इनफैक्ट इट्स अ बिग फैमिली, बिग फैट हिंदू इंडियन फैमिली. And when you'll see the film, you'll realize that everybody has given so much.
एंड अंडर लेट मी टेल यू, एक तो वैसे ही हमारे यहाँ लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम रहता है हिंदुस्तान में, उसके बाद टू शूट इन प्लेसेस लाइक कश्मीर एंड शिमला एंड जैम इज नॉट इजी, इट्स वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, पानी नहीं होता है गर्म. एक्चुअली आपको बताऊं कि हम सोनभद्र में शूट करने गए थे, दिस इज रियली समथिंग है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम होता है ऐसा कि लोकेशन के लिए कोई इतना ज्यादा एडवेंचरस हो जाए. तब वो एरिया बंद हो चुका था, वी वर वॉर्न, वी वर नॉट अलाउड टू गो इन, याद है आपको यहाँ भी. तो हम लोग कुछ नहीं था, तब मैंने जबरदस्ती कहा है, कोई प्रोडक्शन वाले होंगे वो जानते होंगे, बहुत लड़ाई लड़के टू आई बिकेम अ बैड गाय, बट उसके बाद लड़ाई लड़के मैं आर्मी वालों को मैनिपुलेट करके, आई एम सॉरी टू से दैट, सब कुछ करके मैं किसी तरह से वहां गया. और वहां एक या दो ही होटल रुके थे जिनमें गर्म पानी भी नहीं था, बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कंबल नहीं थे, कुछ नहीं था, सिर्फ चार दीवारें, पुलके भी नहीं था. हाँ, पुलके भी नहीं था. और उसमें जो कपड़े और जैकेट्स हम पहन के गए थे उसी में सोए, और हम दो दिन उस तरह से हमने शूट किया. इट वॉज आई डोंट नो, इसी को कहते हैं जुनूनियत शायद, जब आप कुछ चाहते हो और उसके लिए आप किसी भी हद तक जा पहुंचे. मैं इस फिल्म के लिए सोच रहा था क्या है वो जुनूनियत, शायद यही है. आप इसमें शूट कर लीजिए, लेकिन सिर्फ इतने टाइम से इतने टाइम तक. एंड दे वर ग्रेट, दे वर दे मेड इट रियली इजी. लोकलाइज्ड द लोकलाइज्ड. ओके, मेरा टेक वन लास्ट क्वेश्चन. मेरा सवाल यमी और पुलकित से दोनों से जानना चाहूंगा. हर साल बहुत सारे लोग सर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होता है काफी? नहीं सर, मेरा तो नाम से आवाज है. हेलो, कैन यू सी? ओके, हां, अभी लाइट रिफ्लेक्ट. ओके, आप दोनों से मेरा सवाल है, यू नो, आपने सर मेरा एक तो नाम गलत लिया है. मैं यमी नहीं हूं, ये जानना चाहूंगा. पहला सवाल ये है कि कितनी अलग होगी ये लव स्टोरी यूनियत की हम बात करते हैं? इसका जवाब मैं दूंगा आपको, ये बिल्कुल अलग नहीं है. विवेक जी, अलग ही नहीं है. विवेक जी, लेट देम आंसर सर. मुझे मालूम है, हां बिल्कुल अलग नहीं है. मुझे मालूम है आप बहुत हाजिर जवाब है. हर लव स्टोरी में पुलकित तो यामी नहीं होते हैं. लव स्टोरी में पुलकित तो यामी नहीं होते हैं, और पुलकित पे अरमान की आवाज नहीं होती है, और यामी इस तरह की रेड ड्रेस पहन के डांस नहीं करती है. तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट डिफरेंट थिंग अबाउट दिस लव स्टोरी. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या आप कभी हैव यू एवर फॉलन इन लव? क्या आप रिलेट, कितना रिलेट करते हैं अपने किरदारों से? लव में फॉल कर के बताओ मुझे वो मेरे भाई. मैं इतनी बार लव में फॉल कर चुका हूं. यामी, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या कुछ यादें ताजा होती हैं? क्या आप रिलेट करती हैं जो किरदार आपने ऑन स्क्रीन निभाया है? करती हूँ उसकी पंजाबियत से. सुहानी कपूर का कैरेक्टर निभा रही हूँ. शी इज अ लोकल अमृतसरी पंजाबी गर्ल, खालसा कॉलेज अमृतसर. एंड तो मैं बहुत रिलेट करती हूँ. इनफैक्ट मैं बहुत आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिस्पांस ऑफ द ऑडियंस, बिकॉज एज सर सेड, नोबडी सीन मी लाइक दैट बिफोर. और मैं पूरा रिलेट कर पाई. हम अमृतसर में भी शूट किया है, वहाँ के वहाँ का खाना, वहाँ की लोकल्स, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का देसीपन. आई एम वेरी देसी, सो आई टोटली लव इट. और मैं इस पर्सपेक्टिव से इस कैरेक्टर से रिलेट Thank you.